भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से लड़ने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। उम्मीद थी कि बीजेपी उन्हें कहीं और से टिकट दे देगी, लेकिन कुछ देर पहले ही भाजपा ने लोकसभा उम्मीदवारों की जो आखिरी लिस्ट जारी की उसने सारे अटकलों पर विराम लगा दिया। पवन सिंह को कहीं से भी टिकट नहीं मिला। जिस सीट से पवन सिंह नहीं लड़ना चाहते थे वहां से भी वरीय नेता SS अहलूवालिया को उम्मीदवार बनाया गया है। पवन सिंह भाजपाई हैं, लेकिन बीजेपी की सूची के साथ बगावत का अंदेशा सामने आ रहा है। वह कांग्रेस की तरफ देख रहे थे क्योंकि उसे अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करनी है, लेकिन अब पवन सिंह ने बिहार में काराकाट सीट से उतरने का ऐलान कर दिया है। ये सीट महागठबंधन में भाकपा माले के पास है, ऐसे में पवन सिंह निर्दलीय होंगे ये ज्यादा संभावना है। दरअसल जब भाजपा ने बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से पवन सिंह के नाम का ऐलान किया था, इसके बाद पवन सिंह ने खुद ही इस सूची को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। मिठाई खिलाते और भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए वीडियो भी डाला गया, लेकिन 24 घंटे से पहले ही खुद ही पवन सिंह ने कहा कि वह आसनसोल लोकसभा सीट से उम्मीदवार नहीं हो सकते। भोजपुरी अभिनेता गायक ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए ये घोषणा कर दी। इधर जैसे ही पवन सिंह ने ये बातें कही उसके बाद ही TMC के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पर बीजेपी के खिलाफ सोशल मीडिया पर मोर्चा ही खोल दिया। उन्होंने इसे पश्चिम बंगाल के लोगों की में इच्छा शक्ति और शक्ति बताते हुए इसकी सराहना की। सूत्रों के मुताबिक पवन सिंह भले ही आसनसोल से टिकट मिलने से खुश थे, लेकिन उनकी पहली पसंद आरा थी। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक इस बार इस संबंध में पवन सिंह बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता से मिले भी थे ताकि उनको आरा से टिकट मिल जाए, लेकिन बीजेपी ने आरा से उनको टिकट नहीं दिया। आसनसोल के बीजेपी नेताओं ने उनके इस निर्णय पर बयान जारी नहीं किया था। हालांकि एक दिन बाद ही पवन सिंह भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा से मिले थे। इसके बाद उन्होंने कहा था कि जो भी होगा सब ठीक होगा, लेकिन बीजेपी ने आरा सीट से केंद्रीय मंत्री RK सिंह को फिर से टिकट दे दिया। वहीं जब अब बीजेपी ने भी आसनसोल का टिकट दूसरे को दे दिया, तो अब पवन सिंह ने ऐलान के मुताबिक बिहार की काराकाट सीट से उतरने की घोषणा कर दी। इंडिया गुट में सीट बंटवारे के तहत काराकाट लोकसभा सीट भाकपा माले के खाते में गया है। CPI ML ने यहां से राजा राम सिंह कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया है। आसनसोल से पवन सिंह की उम्मीदवारी की TMC ने आलोचना की थी। बता दें कि फिलहाल शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से TMC के उम्मीदवार हैं। 19 में ये सीट बीजेपी के टिकट पर बाबुल सुप्रियो ने जीती थी। बाबुल सुप्रियो ने 2021 में बंगाल चुनाव से ठीक पहले ही बीजेपी छोड़कर TMC का दामन थाम लिया था और असेंबली इलेक्शन लड़े थे। आसनसोल सीट पर बाई इलेक्शन में TMC ने शत्रुघ्न सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया था और उन्होंने जीत दर्ज की थी। अब जबकि बीजेपी ने आसनसोल से ही अपने उम्मीदवार SS अहलूवालिया का ऐलान कर दिया है और काराकाट सीट पर पहले ही उसके सहयोगी दल RLM के उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव उतरने की संभावना और भी ज्यादा तेज हो जाती है। बता दें कि 2008 के परसीमन में काराकाट लोकसभा सीट वजूद में आई थी। वहीं पवन सिंह ने पार्टी की जानकारी नहीं शेयर की, लेकिन सोशल मीडिया पर ये जरूर लिखा है, माता गुरुतरा भूमेरु, अर्थात माता इस भूमि से कई अधिक भारी होती है। मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा। मैंने निश्चय किया है कि मैं 2024 का लोकसभा चुनाव काराकाट बिहार से लड़ूंगा। बहरहाल देखना ये होगा क्या निर्दलीय उतरने से पवन सिंह को सफलता मिलती है या किसी पार्टी का सहयोग मिलेगा। BDS NBT ऑनलाइन।